अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोल। तो उसके लिए ये मैंने 6 ब्रेड हैं ये, लेकिन ये 6 ब्रेड हैं मैंने ये ली हैं। देखिए इस तरह से रोल के लिए 6 ब्रेड ली हैं, और उसमें मैं ये 250 ग्राम चिकन है मेरा, और ये बॉयल है। तो इसको भी कुछ डिफरेंट करूँगी, क्योंकि सिर्फ नमक पड़ के बॉयल किया हुआ है तो इससे तो मज़ा नहीं आने वाला है। और उसमें जो मैं सब्जियाँ डालने वाली हूँ, एक मैं प्याज डाल रही हूँ बड़े साइज़ की, एक गाजर है आधी सा पीस उसका है, ये पत्ता गोभी है, ये आधी से कम चौथाई शिमला मिर्च है रेड, और इतनी ग्रीन येलो है, और एक शिमला मिर्च है ये ग्रीन। और मैंने ये एक कटोरी वो लिए हैं कॉर्न, ये बॉयल करे हैं, नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया है, और नींबू का रस लिया है। और जो चीज डालती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इसका मैं एक सॉस बनाने वाली हूँ, पहले सबसे पहले तो आपको मेरी देखिए, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक स्पून पिज्ज़ा सॉस। आपको पसंद है तो आप डालिए वरना अवॉइड करिए। उससे डबल क्वांटिटी 2 स्पून डाल रही हूँ मैं ये टोमेटो केचप, और इससे और डबल क्वांटिटी डाल रही हूँ, कम से कम 4 स्पून में डाल रही हूँ मायोनीज, ये एग फ्री मायोनीज है। अब सबसे पहले इसकी अच्छा सा एक सॉस बनाते हैं। वैसे तो मार्केट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम घर पे भी इस तरह से बहुत अच्छी सॉस बना सकते हैं, बहुत टेस्टी। देखिए देखिए हमारी सॉस कितनी शानदार सी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल मार्केट जैसी जो मार्केट में हमें मिलती है। अब बस अपनी सब्जियां पहले सबसे देखिए, मैंने ये आधा कप दूध लिया है, और आधा कप दूध में, क्योंकि हमारा चिकन को हमने थोड़ी देर के लिए कि बॉयल है तो बॉयल में वो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा देखिए कुछ डालने वाले हैं। इसमें मैंने कलर डाला है थोड़ा सा फूड कलर, और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिला दिया। ये दूध है हमारा, आप दही में भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, थोड़ा सा इसमें नमक मिलाते हैं, क्वार्टर चम्मच ही इसमें चाट मसाला, और क्वार्टर चम्मच ही इसमें कुटी हुई मिर्च मिलाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके अब सारे चिकन को इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाह करके, कि चिकन हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल और एकदम से देखने में बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो इतने हम अपनी सब्जियां फ्राई करेंगे, इतने हमारा चिकन भी ये मैरिनेट हो जाएगा। ये मतलब ये है कि आप फटाफट झटपट मैरिनेशन है ये हमारा, कि बॉयल तो है, अब इसको हम फ्राई तो वैसे कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से फ्लेवर लाने के लिए हमने ये सब चीज़ें डाली हैं। और अब इसको एक तरफ ढक के रखे देते हैं ऐसे। अब अपने सब्जियाँ देखिए, मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी इसमें डाल सकते हैं, कि बटर से सब्जियां थोड़ी अच्छी क्रंची क्रंची सी हो जाएंगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हमारा बटर पिघल रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं प्याज बिस्मिल्लाह करके, सब्जियों को सिर्फ सॉफ्ट होने तक, कि सब्जी और तो सब थोड़ी सॉफ्ट ही होती हैं, थोड़ी देर में हो जाती हैं, सिर्फ गाजर है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस सब्जियों को थोड़ा सा गैस तेज करते हैं, और सब्जियों को थोड़ा करते हैं, इसमें गाजरें डालते हैं, क्योंकि गाजरें भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम लगती हैं, बाकी और सब्जियां तो सब ईजी से हो जाती हैं, तो गाजरों को डालते हैं।
एक मिनट दो मिनट गाजरों को भी इसके साथ फ्राई कर। अब इसमें पत्ता गोभी डाले दे रहे हैं। पत्ता गोभी को भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम अपने साथ में सारी सब्जियों को डाले दे रहे हैं, जो हमारी जितनी शिमला मिर्च है सबको डाले दे रहे हैं। इनको भी डाल के भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अभी भून रही हैं तो इसमें हम आधा स्पून नमक डाल रहे हैं और क्वार्टर स्पून इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं। यार बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से आप देख के सब कुछ डालिएगा, ऐसा ना हो कि मिर्च तेज़ हो जाए और बच्चे फिर खा ना सकें। अब इसमें हम कॉर्न भी डाल रहे हैं, आपको जितने कॉर्न पसंद हो। वैसे कॉर्न तो सभी को पसंद आते हैं तो हमने थोड़े से बचा लिए, बहुत करके सो खाने होंगे तो बाद में अलग से डाल दूंगी। बस इनको सब्जियों को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी, हमारी सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब गैस को बंद करते हैं। अब इनको बस एक प्लेट में निकाल देंगे। जी, हमने फिर से एक पैन रखा है, उसमें थोड़ा सा बटर डाला है और देखिए हमारा ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी वजह से हमने इसमें सारे मसाले कलर और सब कुछ डाल दिया। बस इसको भी अब डालते हैं और इसको फ्राई वाला लुक दे दें। तो फ्राई होने में लुक आता है, वही लुक इसको देते हैं। देखिए मेरा चिकन मैंने सिम गैस पे है, बहुत तेज़ गैस नहीं की हुई है। अभी मैंने इसको सिम पे हल्के हल्के कुक कर रही हूँ कि पहले से ये 80% बॉयल था, बहुत पूरा बॉयल नहीं था, एक कम से कम 60% बॉयल था ये, लेकिन ये बॉयल था लेकिन हाँ मेरे पास। तो देखिए मैंने इसको कितना मज़ेदार सा बना लिया है, जब आप खाएंगे रोल तो रोल रोल हो जाएंगे आप बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं इसको दो मिनट तक और बना दें। देखिए हमारा चिकन थोड़ा भुनाई पे आने लगा है तो इसमें हम थोड़ी सी ऑरिगैनो डाल रहे हैं। ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, कि बच्चों को बहुत पसंद होती है। कुछ चीज़ हम बच्चों के लिए बना रहे हैं और उसमें वो चीज़ें नहीं हों। और थोड़ा सा नींबू का रस, ये एक नींबू का रस है, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। ये भी अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो इसको अवॉइड करें। अब इसको अच्छे से भूनती हूँ, बस एक से दो मिनट बस और बचे हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डाल के भी थोड़ी देर पकाती हूँ और फिर आप चिकन हमारा अच्छे से हो गया है। और बस गैस को ऑफ करते हैं और हम इसको पलटते हैं। रख दी है वो सॉरी गैस पे तवा रख दिया है और तवे पे हमने ब्रेड रख दिया है। अब इसको हम पराठों की तरह, कुछ भी है ऐसा इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, पराठों की तरह इसको आप घर पे भी इसको पराठा या रोटी बना के भी बना सकते हैं। ये मैंने टोटिया ब्रेड ली है तो आप घर पे भी रोटी बना के बना सकते हैं। इसमें मार्केट गई थी और टाइम भी नहीं था तो बच्चों ने कहा बनाना फटाफट, आजकल बच्चे छुट्टी में हैं घर में, तो हमने सोचा बस फटाफट से चलिए हम इस तरीके से बना देते हैं, टाइम लगेगा वैसे। तो बस इनको एक एक करके सबको सेक लेते हैं हल्का हल्का सा। इसी तरीके से सारी रोटियों को सेक लेते हैं। देखिए हमारी सारी ब्रेड सेक गई हैं और हम रोल बनाने के लिए तैयार हैं। और बिस्मिल्लाह करके इस पे हम सॉस लगाते हैं। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा अगर चाहते हैं इसमें आपके इसमें आप चीज़ भी डालें तो आप चीज़ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें चीज़ नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद है चीज़ या बच्चों को पसंद है चीज़ तो आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। इसमें हम बीच में सब्जियां डाल रहे हैं, बहुत इजी से हैं,
ये मैं इतना इजी करके उन लड़कियों के लिए भी खासकर बनाना सिखा रही हूँ कि जो लड़कियाँ अभी नई गई हैं शादी हो के और उनको दिल चाह रहा है भाई कुछ खाने का, और या किसी ने कुछ फरमाइश कर दी घर में कि भाई ये बना लो और उनको नहीं आता बनाना, तो उनके लिए बहुत ही ईजी है, उनके लिए बहुत ही ईजी है। अब हमने चिकन रख दिया, अब आपकी मर्जी है, ऊपर से अगर आपको इसमें कुछ और डालना है तो आप डाल सकते हो। बहुत इजी से देखिए आप इसको इस तरीके से फोल्ड करिए, इस तरीके से फोल्ड करिए और फिर इस तरीके से फोल्ड करिए। लीजिए हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं रोल, देखिए कितने शानदार रोल बने हैं। और इसी तरह बनाइए अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी चाहे खिलाइए, और बहुत इजी से बनने वाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।